पटना में 4 लेयर पर यात्रा कराने की तैयारी हो रही है, ऊपर 3 लेयर पर बन रहा है रोड, तो अंडरग्राउंड टनल का भी हो रहा है निर्माण। अशोक राजपथ पर डबल डेकर रोड का फाइनल लुक अब दिखने लगा है। आज के इस वीडियो में हम पटना डबल डेकर रोड को आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पटना में अशोक राजपथ पर बन रहे डबल डेकर का भी फाइनल शेप दिखने लगा है और हमारे पीछे ये देख लीजिए 3 तल्ले पर 3 लेयर पर चलने की तैयारी है। कहिए चलता हुआ रोड आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला डेक देख लीजिए जो लगभग जो है यहाँ से 50 फुट ऊँचा है, उसके नीचे एक और डेक है और इसके नीचे एक ग्राउंड फ्लोर है और आने वाले समय में इसके नीचे से मेट्रो दौड़ेगी। हमने इसे पहले भी बताया था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस अशोक राजपथ पर आपको 4 लेयर पर यात्रा कराने की बिहार सरकार तैयारी कर रही है और सबसे नीचे से मेट्रो, ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ियां, फर्स्ट फ्लोर पर भी गाड़ियां, उसके सेकंड फ्लोर पर भी गाड़ियां दौड़ते हुए दिखाई देगी। लगभग 2.2 किलोमीटर लंबे इस डबल डेकर के निर्माण से अशोक राजपथ पर लगने वाले लंबा जाम से आम लोगों को छुटकारा मिलेगा और वहीं कारगिल चौक से PMCH पहुँचना आसान हो जाएगा और इस रूट पर जो आपको घंटों का समय लगता था वह मिनटों में तय होगा। कारगिल चौक से लेकर के सामने कहीं NIT मोड़ तक बन रही इस डबल डेकर रोड का निर्माण कार्य बड़ी रफ्तार में हो रहा है और हमारे पीछे देख लीजिए इसका तीनों डेक यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर ऊपर में पहला डेक बना है, उसके ऊपर से दूसरा डेक बना है। ये सीधा जो है अंडाकार शेप में बना हुआ ये जो पियर कैप है इसके ऊपर से अब डेक रखता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है कारगिल चौक की तरफ। कहीं कहीं अभी पाइलिंग का भी काम हो रहा है, कहीं पियर बनाया जा रहा है, कहीं पियर कैप बनाया जा रहा है। कुल मिला के कहें तो हर शेप में इसका काम अब आपको दिखेगा। वहीं जहां से इसका दूसरा डेक उठ रहा है वहां पर देख रहे हैं अब जो है अप्रोच रोड भी बनाने की तैयारी हो रही है और आगे NIT मोड़ की तरफ यानी पटना कॉलेज से अगर आप आगे बढ़ेंगे जहाँ ऊपर वाला डेक नीचे हो रहा है वहाँ 2 लाइन जो है दोनों लेन के लिए अलग अलग रैम्प बनेगा, जिसके जरिए एक रैम्प के जरिए गाड़ियाँ उतरेंगी और एक रैम्प के जरिए गाड़ियाँ ऊपर चढ़ेंगी। किस तरह से तैयार होगा और कैसे यात्रा होगी जब फाइनली बनेगा तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पूरा यह डबल डेकर का स्ट्रक्चर अब दिखने लगा और हमारे पीछे देखिए ये नीचे पिलर के ऊपर जो है पियर कैप बना है, पियर कैप के ऊपर नीचे 2 डेक साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इस दोनों डेक के बीच में जो है आयरन का जो है गडर है, गडर के ऊपर में जो है कास्ट किया गया है स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर अब कॉन्क्रीट होकर के या कहीं ऊपर ब्लैक टॉप होकर के रोड बनेगा, फिर गाड़ियाँ दौड़ेंगी। अशोक राजपथ पर बढ़ते वाहनों के दबाव से निपटने के लिए लगभग 442 करोड़ की लागत से कारगिल चौक से NIT मोड़ तक लगभग 2.2 किलोमीटर लंबे पटना डबल डेकर रोड का दोनों डेक अब बनता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसका पहला और ऊपर वाला डेक कारगिल चौक से शुरू होकर NIT मोड़ तक लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा होगा, वहीं नीचे वाला डेक BN कॉलेज से शुरू होकर पटना कॉलेज तक 1.5 किलोमीटर का होगा, यानी दोनों डेक में 7.5 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होगा जिस पर से गाड़ियां दौड़ेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में इस समय कहीं डेक का निर्माण हो रहा है तो कहीं पिलर बनाया जा रहा है तो कहीं अप्रोच रोड का काम हो रहा है। आने वाले समय में अशोक राजपथ पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर गाड़ियां दौड़ेंगी, तो वहीं अंडरग्राउंड टनल में मेट्रो की सवारी आप कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस डबल डेकर रोड के निर्माण के लिए 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस रोड का शिलान्यास किया था और 2025 तक यह रोड बनकर तैयार हो जाएगा। आने वाले समय में इसे पटना के मरीन ड्राइव से सीधे कनेक्टिविटी देने की तैयारी है, तो इसे PMCH के पार्किंग लॉट से भी जोड़ा जाएगा। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा है उसके वीडियोस के साथ हम जुड़ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पटना डबल डेकर रोड के दोनों फ्लोर का फाइनल लुक अब दिखने लगा है। कुल मिला के कहें तो इसको बन जाने के बाद अशोक राजपथ पर लगने वाले जाम से आम लोगों को छुटकारा मिलेगा और यहाँ 4 लेयर पर आपकी यात्रा होगी, सबसे नीचे से मेट्रो, ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ी, फर्स्ट फ्लोर पर गाड़ी और फिर सेकेंड फ्लोर पर भी गाड़ियाँ दौड़ेंगी। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और वीडियोज़ को YouTube पर देखते रहने के लिए वेफोरी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। Instagram और Twitter पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।